और बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। दीपिका की फिल्म गहराइयां हाल ही में रिलीज हुई है, जिसको लेकर वो चर्चा में है। फिल्म के बारे में और उसमें अपने किरदार के बारे में दीपिका ने खुलकर बात की। क्या क्या कहा दीपिका ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बहुत मुश्किल किरदार था, मतलब जो आपने जिस तरह से उसको जिन परते पेश की, उसके बाद आई थिंक ए हीरोइन इज़ नॉट जस्ट अ ग्लैम डॉल, इट्स शी इज़ नॉट जस्ट जस्ट अ ग्लोरीफाइंग ऑब्जेक्ट जो हुआ करती थी। हीरोइंस अब आ गई हैं एंड हीरोज़ बच के, क्योंकि हीरोइन जो कर सकती हैं वो हीरो नहीं कर सकते। तो एक टफ जॉब था। तो कैसे उन गहराइयों को आपने, अनीशा जो किरदार को आपने समझा और पर्दे पर पेश किया? आई थिंक मैं किसी अनीशा को बिल्कुल जानती नहीं हूँ, बट आई गेस एक एक्टर का काम यही होता है कि एक स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर दिया जाता है उसको अच्छे से समझना, बार बार उसी चीज़ को पढ़ना। व्हेन यू कीप रीडिंग अ स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन, कुछ नया निकलता है हमेशा। तो स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना, इस कैरेक्टर को समझना, जो भी वो करती है इस फिल्म के अंदर वो क्यों करती है, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो समझना, उसकी जो पास्ट है वो समझना, बेसिकली इन शॉर्ट इस कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करना और एक रॉ और एक रियल तरीके से पेश करना, वही मेरा काम था। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपने कहा, वो भी सबसे मुश्किल काम था, स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत फ्लॉड होते हैं या जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे सिनेमा में ज़्यादा हम दिखाते नहीं हैं, और जब दिखाते हैं तो उनको बहुत एक जजमेंटल लेंस के थ्रू हम दिखाते हैं कि ये सही है ये गलत है। और इस फिल्म में हमने वो नहीं किया है जो हम इतने सालों से करते आए हैं, तो इन कैरेक्टर्स, इन फ्लॉड कैरेक्टर्स को अलग तरीके से पेश करना विदाउट जजमेंट, समझना कि जो भी उनके चॉइसेस है वो क्यों कर रहे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और उन चॉइसेस के जो रेपरकशंस है वो क्या है। तो आई थिंक बेसिकली इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा समझना, पढ़ना, डायरेक्टर के साथ बात करना, और फिर उसको इंटरनलाइज करना, वो ही प्रोसेस था मेरा। तो मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो ये लगा कि मिलेनियल्स की फिल्म है, तो मिलेनियल्स को पसंद आ रही है, उनको नहीं पसंद आ रही। बट व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हैव यू गॉट, स्पेशली बिकॉज इट स्ट्रीम्ड एंड इट रीच्ड टू अ वेरी एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, या इस टीम में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये ऐसे रिस्पॉन्स होगा इस फिल्म का। और बात ये है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, और एज अ फिल्म मेकर और एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ व्हाट यू वांट, वही तो हम चाहते हैं। अगर कोई अंदर जाके एक फिल्म देखेंगे, बाहर निकलेंगे, बोले हाँ ठीक है अच्छी पिक्चर थी, अब अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद अगर दी एंड है या फुल स्टॉप है, तो मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। बट आई थिंक जब ऐसे हम फिल्म बनाते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा होती है, लोग बात करते हैं, डिस्कशंस होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, नहीं मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, आई थिंक कहीं ना कहीं यू आर पुशिंग द एनवलप, यू आर पुशिंग द कॉन्वर्जेशंस, एंड आई थिंक फॉर अस दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे, क्योंकि ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोग इसे इसे एक्सेप्ट करेंगे या अपनाएंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स एज फार एज माय परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, ये जो रिएक्शन मुझे मिला है मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया।